नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक सेसमी ऑयल का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तिल का तेल। अब दोस्तों, तिल हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक वर्जिन ब्लैक सेसमी ऑयल का, जो कि हमें सेंड किया गया था BNB ब्रांड के द्वारा आज से कुछ हफ्ते पहले, और मैंने इसको काफी टाइम से यूज किया है और इसका इफेक्ट नोटिस कर लिया। अब दोस्तों, बात यह है कि ये एक वर्जिन ऑयल है। अब वर्जिन का मतलब आप सब मेरे से बेहतर जानते हो, भले ही ये शब्द आजकल काफी कम नजर आता है। तो वर्जिन वर्ड का इस ऑयल में मतलब है कि आप इसे अलग अलग एरियाज पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे फेस पे यूज कर सकते हो, आप इसे बालों पे यूज कर सकते हो, और आप इसे अपनी स्किन पर भी यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस ऑयल के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, और जो भी इसकी अच्छी चीजें हैं और जो इसकी बुरी चीजें हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस ऑयल को अपने बालों पर 6-7 टाइम्स यूज़ किया है। हालांकि मैंने फेस पर इसको एक ही बार यूज़ किया था, और जो भी मुझे इसका इफेक्ट देखने को मिला वो मैंने अच्छे से नोटिस किया है। तो पहले हम बात करते हैं इस ऑयल के बेनिफिट्स की, और दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मैं आपको वो वाले बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा जो कि आपको नेट पे मिलेंगे या फिर जो ट्रेडिशनली लोग बोलते आए हैं। तो जो पहला बेनिफिट मुझे इस ऑयल से मिला है वो ये है, इसने मेरे बालों को हल्का सा ब्लैकिश शेड दे दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे बाल बचपन से ही ब्राउनिश हैं और बीच बीच में व्हाइट हेयर भी हैं, लेकिन इस ऑयल को यूज करने के बाद मैंने नोटिस किया है इसने मेरे बालों को थोड़ा ब्लैकिश टेक्सचर दे दिया है। तो अगर आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रही है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, उस केस में ये ऑयल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये शायद इसलिए क्योंकि इस ऑयल में आपको काफी ज्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, जो कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग जो हो रही होती है उसे स्टॉप कर देते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके दूसरे बेनिफिट की, जो कि है कंट्रोल्स डैंड्रफ एंड प्रोवाइड्स शाइन। दोस्तों, ये ऑयल काफी लाइटवेट है और काफी इजीली आपकी स्कैल्प के अंदर चला जाता है, और जो भी आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ जमा होता है ये उसे रिमूव कर देता है। और जब मैं इस ऑयल को दूसरी बार यूज कर रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि इसने मेरे बालों से कंप्लीटली डैंड्रफ को रिमूव कर दिया था। तो डैंड्रफ को रिमूव करने में ये काफी अच्छा इफेक्ट शो करता है। और दोस्तों, मैं इस ऑयल को अपनी बियर्ड पर और अपनी मॉइस्चराइज पर यूज करता हूं, क्योंकि उससे क्या होता है एक काफी अच्छी शाइन आ जाती है। तो चाहे आप इसे बियर्ड पर यूज करो, चाहे आप इसे अपने सर के बालों के लिए यूज करो। और दोस्तों, जो तीसरा बेनिफिट मुझे इस ऑयल से मिला वो है कि इसे आप एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, एक दिन मैंने क्या किया कि चेहरे पर कोई भी फेस क्रीम या कोई भी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर का यूज नहीं किया, उसकी जगह पे मैंने इस ऑयल का यूज करके देखा, और सरप्राइजिंगली दिन के एंड तक मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने पूरा दिन ही मेरी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगा देता है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है उस केस में इस ऑयल से आपको थोड़ी ऑयली फील भी आएगी, लेकिन ड्राई स्किन के केस में ये काफी अच्छा इफेक्ट शो करता है। और आप इस ऑयल को अपने आर्म्स पे, अपनी फीट पर या किसी और बॉडी पार्ट पर यूज कर सकते हो जहां से आप ड्राइनेस को खत्म करना चाहते हो। और दोस्तों, आप इस ऑयल को बॉडी मसाज में भी यूज कर सकते हो, उससे आप काफी रिलैक्स भी फील करोगे और साथ ही बॉडी को काफी अच्छी नॉरिशमेंट भी मिल जाएगी। तो बॉडी मसाज के लिए भी ये एक बेस्ट ऑयल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो मुझे इस ऑयल की अच्छी नहीं लगी, जैसे कि हेयर फॉल। दोस्तों, नो डाउट इस ऑयल को यूज करने से बाल ओवरऑल हेल्दी हो जाते हैं और आपको और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स अपने बालों में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि जितना हेयर फॉल मेरे पहले होता था, इस ऑयल को यूज करने के बाद भी लगभग उतना हेयर फॉल ही हो रहा है। तो हेयर फॉल के केस में मुझे कुछ खास हेल्प नहीं मिली है, लेकिन ओवरऑल इसने मेरे बालों को हेल्दी बना दिया। और दोस्तों, जो दूसरी चीज मुझे इस ऑयल की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इस ऑयल को रिमूव करते वक्त आपको एक स्ट्रॉन्ग शैम्पू चाहिए, क्योंकि ये इजिली आपके बालों से रिमूव नहीं होगा। तो आपको हो सकता है कि बाल दो बार शैंपू करने पड़े, लेकिन वॉश करने के बाद जैसे आप बालों को ड्राई करोगे तो आपके बालों में शाइन जरूर आ जाएगी। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम सेसमी ऑयल से कुकिंग कर सकते हो? तो जी हाँ, तो आप कुकिंग में भी सेसमी ऑयल का यूज कर सकते हैं और आप अलग अलग डिशेस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको BNB का स्पेशल रिफाइंड सेसमी ऑयल यूज करना होगा, जो कि स्पेशली कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया। और इस ऑयल से आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, और इस ऑयल का लिंक मैं
आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वर्जिन ब्लैक सेसमी ऑयल के प्राइस की। और ऑनेस्टली जब मैंने इसका प्राइस देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका प्राइस इन्होंने ज्यादा हाई नहीं रखा है। तो ये ऑयल आता है 250 ml की पैकेजिंग में, और यहाँ पे जो इसका MRP प्राइस लिस्टेड है वो है जस्ट 249 rupees। और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको ये और भी सस्ता मिल जाएगा, और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक ड्रॉप कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि इस ऑयल में ऐसा खास क्या है जो इसे बाकी ऑयल से अलग करता है, तो देखिए इस ब्लैक सेसमी ऑयल में, मींस इस काले तेलों के ऑयल में काफी अच्छी मात्रा में नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इस ऑयल को कोल्ड प्रेस मेथड से तैयार किया जाता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं वो बेसिकली नेचुरल हैं। तो नो डाउट इस ऑयल को हफ्ते में 2 बार यूज करने से आपके बाल ओवरऑल हेल्दी बन जाएंगे, और साथ ही साथ इस ऑयल में विटामिन ई का भी यूज किया है, तो आप स्किन पर भी इस ऑयल का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था B&B के वर्जिन ब्लैक सेसमी ऑयल का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस सेसमी ऑयल के बारे में, यानी तिल के तेल के बारे में जान सके। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आप मेरे से पर्सनली किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जब चाहे DM कर सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा हो। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।